नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए इंडोफार्म का 3055 NV जो कि 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो क्या कुछ ट्रैक्टर में खास दिया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्रैक्टर है वो मेड इन इंडिया 100% स्वदेशी, यानी कि अपने देश का जो है ट्रैक्टर बना हुआ है। बाकी अगर आप फ्रंट से देखते हो तो बहुत शानदार जो है लुकिंग के साथ ट्रैक्टर दिया हुआ है। दो बड़ी लाइट दी हुई है जिससे आपकी जो है रोशनी ज़्यादा हो। बाकी ट्रैक्टर के अंदर ही जो लाइट दी हुई है, जैसे आपका जो रोशनी है वो सीधा पड़े तो, और जाली जाली बिल्कुल खुली लंबी चौड़ी जो है ट्रैक्टर के अंदर जाली दी हुई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर के अंदर हवा जाए और आपका ट्रैक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम करे। बोनेट आप आगे से इस ट्रैक्टर का जो है बोनेट ओपन कर सकते हैं। कंपनी फिटेड जो है बम्पर दिया हुआ है, काफ़ी हैवी जो है ट्रैक्टर के अंदर आपको बम्पर मिल जाएगा। एक्सल की बात करें तो जो एक्सल है वो स्ट्रेट एक्सल दिया हुआ है ट्रैक्टर के अंदर। काफ़ी जो है हैवी एक्सल इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पावर स्टेयरिंग के अंदर यह ट्रैक्टर दिया हुआ है। पावर स्टेयरिंग में अगर बात करें तो एक सिलेंडर के साथ आपको यह ट्रैक्टर पावर स्टेयरिंग में मिल जाएगा। आगे के टायर 750/16 के जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आगे के टायर दिए हुए हैं। 3 सिलेंडर का जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इंजन मिल जाएगा। 2856 CC के लगभग इस ट्रैक्टर का जो है इंजन दिया हुआ है। 2 डीजल फिल्टर जो है ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं जिससे आपका डीजल जो है फिल्टर होके इंजन तक पहुंचता है। बाकी एक वाटर सेपरेटर जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा आपको, और एक जो आपका ऑयल के लिए दिया हुआ है जिससे आप अपना मोबिल चेक कर सकते हो, और 60 लीटर का जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डीजल मिल जाए जिससे आप लंबे समय तक काम कर सकते हो। काफ़ी जो हैवी फुटरेस्ट जो है ट्रैक्टर के अंदर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ऊपर से ट्रैक्टर की बात करें तो ऊपर से आपको जो है मीटर, डिजिटल मीटर दिया हुआ है। इसमें आप अपने जैसे बैटरी का, फ्यूल का आदि आप देख सकते हैं। काफ़ी छोटा जो है ट्रैक्टर के अंदर स्टेयरिंग मिल जाएगा जिससे आप आराम से घुमा सकते हो, और लाइटों के लिए ऑपरेट करने के लिए स्विच दिए हुए हैं साइड में, और एक जो नीचे पार्किंग का स्विच दिया हुआ है। बाकी साइड गियर में जो है ट्रैक्टर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। गियर की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स ट्रैक्टर के अंदर आपको गियर्स मिल जाएंगे। डबल क्लच के अंदर जो है ट्रैक्टर दिया हुआ है जिसमें आप अपने रोटावेटर जैसे इंप्लीमेंट को आसानी से चला सकते हैं। और जो ब्रेक है, ब्रेकों की बात करें तो तेल में डूबे हुए ब्रेकों के साथ जो है ट्रैक्टर दिया हुआ है जिससे आपकी जो है ब्रेकों की घिसाई कम होगी। और ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर जो है साइड में ट्रैक्टर अंदर दिए हुए हैं जिससे आप अपने कल्टीवेटर या बुआई मशीन जैसे इंप्लीमेंट को आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी एक और ख़ास बात, सीटों में भी आपको देख सकते हैं वो दिए हुए हैं गद्दी टाइप, और नीचे आपको एक PTO का लीवर मिल जाए जिसमें आप रिवर्स PTO आदि चला सकते हैं। एक टूल बॉक्स दिया हुआ है प्लास्टिक का, एक नंबर प्लेट दी हुई जिसमें आप अपनी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से रिवर्स PTO का जो है स्टिकर लगा हुआ है ट्रैक्टर के मड गार्ड्स के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। एक हैंडल दिया जिसको पकड़ के आप ट्रैक्टर पर आराम से बैठ सकते हैं। चौकोर टाइप के जो है ट्रैक्टर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और पिछले जो टायर 14/28 के साइज में जो है पीछे के टायर दिए हुए हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। और जो पीछे का जो हिस्सा है काफ़ी मजबूत इस ट्रैक्टर का आपको पीछे का हिस्सा मिल जाएगा। एक रोड दी हुई दोनों मडगाड़ों के जो है कम्बिनेशन के लिए, आप लोग देख सकते हो। और पीछे जो सीट के पीछे रिफ्लेक्टर और बोतल रखने का स्थान दिया हुआ है। 2 कंपनी फिटेड वॉल मिलेंगे, और लिफ्ट को यहाँ से आप पीछे से ही एडजस्ट कर सकते हो। एक लीवर दिया हुआ है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया जो चीज़ दी हुई है कंपनी ने। एक जो है इलेक्ट्रिक का सॉकेट दिया हुआ है जहाँ आप पीछे लाइट ले जाना चाहो तो हानि ले जा सकते। काफ़ी हैवी जो है ट्रैक्टर अंदर लिफ्ट दी हुई है। लिफ्ट की बात करें तो 18 उसके जी लगभग इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट मिल जाएगी। 3 पिन सेंसिंग के साथ जो है लिफ्ट दी हुई है जिसमें आप अपनी लिफ्ट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। एक लाइट दी हुई है जैसे आप रात को काम करते हो उसके लिए। काफ़ी खुला जो है प्लेटफॉर्म का ट्रैक्टर है। एक डीजल फिल्टर दिया हुआ है। बाकी जो है मोटर की साइड में, साइलेंसर की साइड में जो है गार्ड्स दिए हुए हैं जैसे आप गलती से हाथ लगे उसके लिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया हुआ है।